ई पे भी रैप हो गया, मोबाइल पर भी, और बाइक पे जो काम हुआ है वो दिखा दूंगा। चल घुमाने नहीं ले जा रहे, आ जा। और भाई इधर आ गई अपनी दोनों बाइक, थोड़ा सा बैलेंस चेक करना है। गुड मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज है संडे। वैसे मुझे अभी किसी हाईवे पर होना चाहिए था, लेकिन हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई, मतलब कैंसिल एक दिन के लिए हो गई है। संडे की जगह हम मंडे जा रहे हैं, और वो क्यों हो गई है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बस इतना बता देता हूँ कि अब मेरी दो बाइक जा रही है, दूसरी कौन सी जा रही है वो इसी व्लॉग में मैं आपको आगे बता दूंगा। और आज घर पर भी काम चल रहा है, ऊपर भी, यहाँ भी, क्योंकि जो ये गेट है ना, ये हवा के कारण बहुत तेज तेज बंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ से टाइल गिर गई थी, ये निकल कर दो, जिसकी वजह से सारी टाइल निकाल कर दोबारा लगानी पड़ी। मतलब अब लग गई हैं सारी, सुबह से काम चल रहा था। और मेरी ना जो 1250 है उसमें टॉप बॉक्स नहीं है, पैनियर है, तो मैंने सोचा एक बैग ले जाऊंगा, तो मैंने ये अपना बैग निकाला, लेकिन इसकी शेप देखोगे ना कुछ इस तरह की है। ये जो साइड है ना, ये पैनियर में लग रही है, तो ये बैग आ नहीं पा रहा है। मतलब पीछे मैं रख रहा हूँ तो ये पैनियर्स में लगते हैं इसके, तो इस वजह से ये बैग तो नहीं आ पाएगा। अब मेरे को देखना पड़ेगा लगेज कैसे लेकर जाना, क्योंकि पैनियर में सारा सामान तो नहीं आ पाता, क्योंकि कपड़े हैं, और कपड़ों के अलावा पूरा कैमरा एक्सेसरीज बहुत कुछ हो जाता है, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन ट्राई करते हैं, या तो मेरी दूसरी बाइक जाए उस पर भी, लेकिन लगेज बहुत होगा, देखते हैं। अभी जो बाइक है उसको भी मेरे को चलाना है, क्योंकि एक हफ्ते से वो चली नहीं है। लास्ट संडे मैं उसको लेकर गया था, जो बाइक कलेक्शन आपने देखा होगा, उसके बाद वो चली नहीं है, तो आज थोड़ा सा चला लेते हैं, क्योंकि पता चल जाए अगर कुछ कमी होगी। वैसे उसकी मैंने सर्विस अभी कराई थी, लद्दाख जब मैं गया था उसको भी लेकर जाने वाला था, तो उसकी सर्विस सब कुछ कराया था, लेकिन किसी कारण नहीं गई, तो आज उसको थोड़ा चला भी लेते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा कौन सी बाइक है। वैसे मैंने सोचा था कि जाने से पहले ना सारी बाइक चला लूँगा, लेकिन नंबर आ ही नहीं पाया, क्योंकि फ्राइडे मेरे को बहुत काम था, वो आपने वीडियो देखी होगी। सैटरडे को भी मैंने काम किया और बारिश हो रही थी, फ्राइडे भी थोड़ी बहुत हुई थी और सैटरडे भी, जिसकी वजह से बाइक में चला भी नहीं पाया, तो आज वो भी चला लेंगे। और मैंने बोला था कि मैं सैटरडे व्लॉग नहीं बनाऊंगा, लेकिन काम कराऊंगा, तो काम मैंने कल करा लिया, वो मैं आपको आज दिखा देता हूँ। और घर पे काम चल रहा है तो पूरा ऐसे ही हो पड़ा है, ये आराम से सोता रहता है दिन में, और रात को हमें सोने नहीं देता, आपको हमारी आंखों से पता चल जाएगा, मतलब पूरी रात जगा कर रखता है और दिन में सोता है, और हल्की सी भी आवाज आएगी ना उठ जाएगा। इसको बिल्कुल शांत चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए, तो रात को तो भाई शांति रहती है, रात को क्यों नहीं सोता, चल सो जा। जो काम मैंने कराया था ना, आपको बताया था कल, उसमें से दो काम तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक तो मैंने फ़ोन पे, ये पीछे कवर नहीं है, रैप है, जो कि BMW का ही रैप कराया, वहीं से जहाँ से बाइक पर काम कराया था। और दूसरा, इंस्टा पर अगर फॉलो कर रहे होगे वहाँ तो देख लिया होगा, कल मैंने स्टोरी डाली थी। दूसरा की, जो कि BMW के लोगों के साथ मैंने जो डिज़ाइन आता है ना, उसी तरह का, इस पर भी रैप करा लिया है। ई पे भी रैप हो गया, मोबाइल पर भी, और बाइक पर जो काम हुआ है वो दिखा दूंगा अभी, लेकिन मैं दूसरी बाइक लेकर जा रहा हूँ। मेरे शोर से उठ गया ये, अब दिन में उठेगा जब भी, तो हमें रात को सोने नहीं देगा, अंगड़ाई ले रहा है, पूरा शेड्यूल बिगाड़ा हुआ है इसने, ना सुबह उठ पाते हैं ना रात में सो पाते हैं, और देखो कैसे फैन को देख रहा है ऊपर। अभी मैंने फैन बंद किया है, क्योंकि फैन की आवाज आती है ना, तो अब इसको इसलिए भी उठा होगा, ये गर्मी के कारण भी उठा होगा। आज ना काम वाली नहीं आई है, तो ये कैमरा देख ना भाग जाती है। आज सफाई ये कर रही है। अभी जो टाइम हो गया पूरा 1 बज गए हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं, और अब मैं लंच या ब्रंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी कह लो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, उठा भी आज थोड़ा लेट था, संडे था, राइड कैंसिल हो गई थी, और रात को वियान ने सोने नहीं दिया, तो अब लंच कहो ब्रंच कहो जो भी, अब ये करता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। और ये की और मोबाइल देख रहे हो ना, ये कह रहा है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, पहले अच्छा लग रहा था, अभी इसने देखा फोन अच्छा लग रहा है, चाबी अच्छी नहीं लग रही, अभी इसने देखा तो कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा। कमेंट्स में करके बताना कि पहले अच्छी थी या अब अच्छी है, एक बार दिखा देता हूँ, और कमेंट्स में बताना पहले ज्यादा अच्छी लग रही थी या अब। कभी बाहर कभी अंदर, घर में बाहर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो। अब मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं है, तो इतना खाऊं नहीं, देखो मैं खाते खाते मैंने वीडियो बनाई है, रोटी भिंडी की सब्जी है, इधर दही छाछ चटनी और चावल, ये भी अभी तक सो रहा था, मतलब सुबह उठ गया था शायद, है ना, सुबह उठ गया था 5:30, सुबह उठ गया था, अब दोबारा ये सो रहा है। चल सो जा पागल, इधर आ, घुमाने नहीं ले जा रहा, देखो इसने अपना पट्टा उठा लिया है, इसको लग रहा है मैं इसे घुमाने ले जा रहा हूँ, चल इधर, घुमाने नहीं ले जा रहा, चल घुमाने नहीं ले जा रहे, आ जा, चल पट्टा दे, चल। और काफ़ी लोग बीच बीच में पूछते हैं कि बोस की को वीडियो में नहीं लाते, तो इसलिए मैं इसको बीच बीच में लाता रहता हूँ। और ये भी कमेंट्स आते हैं, इसको बेबी कब कराओगे, तो मैंने पहले, शायद आपने बाद में फॉलो किया है, बेबी इसको अराउंड 8 मंथ्स या 1 ईयर पहले कराए थे, सारे बेबी 5वें दिन में एक साथ, मतलब 5 बेबी थे जो कि एक ही दिन में एक साथ उनकी डेथ हो गई थी, तो वो ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, जाकर पीछे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसी वजह से मैं बेबी नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा दुख होता है और इसको भी दुख होता है
तो इसलिए हम नहीं कराएंगे। हमारी ये बेबी हमारे पास रहती है और ऐसी खेलती रहती है पूरे दिन। और जो बीगल ब्रीड है ना, इसकी सबसे अच्छी यही बात रहती है, बहुत चुलबुली रहती है और बहुत ज़्यादा खेलती है। मतलब अगर आप पूरा दिन खेल सकते हो ना, तो ये पूरा दिन आपके साथ खेल सकती है, पूरा दिन। ये भी कमेंट्स आ रहे थे, आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे दे देता हूँ जिसके कमेंट्स आते हैं। बाकी मैं रिप्लाई भी करता हूँ सबको, एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसको रिप्लाई नहीं किया होगा। काफ़ी कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि मेरे बेटे का नाम क्या है, तो बेटे का नाम विहान है, मैंने कमेंट्स में भी बता दिया था और पहले एक व्लॉग में भी बताया हुआ है जब नाम रखा था उसका। चलें घूमने चलना है, चलो आ जाओ घूमने चलो। तो कितनी जल्दी गई है लेकर इसके अपने पट्टे को। घूमने के लिए तो ऑलवेज रेडी रहती है मेरी तरह ये घूमने के, जैसे मैं हमेशा रेडी रहता हूँ ऐसे ये भी हमेशा रेडी रहती है घूमने के लिए। चलो बॉस की बाय, और अब मैं आपको सीधा बाइक पर मिलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और यार खुशी रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। और जो ये मेरा डायलॉग है, ये मेरे को लगता है अराउंड 15-20 वीडियो से मैंने नहीं बोला है। और इधर मिल गया है सिग्नल, दिल्ली में यही है, थोड़ा सा चलो सिग्नल। Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? जावा को भी चलाऊंगा क्योंकि कल सोचा था परसों सोचा था, दोनों दिन बारिश आ रही थी तो नहीं चला पाया था। और शायद भगवान ने भी इसलिए डिले कर दिया कि सब अच्छे से चला सकें, पूरा जो ट्रिप है उसको अच्छे से कर सकें। बैक टू होम, और अब सबसे बड़ा टास्क है इस बैग में लगेज, मतलब ऐसे दो बैग हैं और ये खुलने के बाद ना कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसको मैं पैनियर में रखूंगा। अब इन दोनों बैग में मुझे सब कुछ पैक करना है, अपना कैमरा कपड़े जूते सब कुछ इन दो बैग में पैक करना है। कम से कम कोशिश करूंगा ले जाने के लिए, उसके बाद टॉप बॉक्स आ जाएगा तो नेक्स्ट राइड से प्रॉब्लम नहीं होगी, बस अभी की प्रॉब्लम है। और बैग पैक करके अभी मेरे को जाना है अपनी 1250 को भी लेकर, उसमें भी कुछ काम कराया तो वो भी आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूं क्या क्या काम करा, लेकिन पहले पैकिंग कर लेता हूं। फाइनली पैकिंग हो गई, और पैकिंग फर्स्ट टाइम मैंने इतने छोटे से मतलब इतने बैग में पैक की है, और उसमें भी 12 टी-शर्ट और बैग सब कुछ रख लिया, और पैनियर में रख के भी देख लिया है, फिट बिल्कुल सही आ रहे हैं। बस अब मैं बाइक चलाकर थोड़ी देखूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, एक पैनियर में वेट ज्यादा एक में कम होना तो बैलेंस नहीं बनता है बाइक का ठीक सा, तो वेट बराबर होना चाहिए। बाकी अपनी तरफ से मैंने बराबर करके रखा है, बस अब चला कर देखूंगा। और ये एक टैंक बैग था जो मेरे पास पहले का रखा हुआ था, इसको मैं ले लूंगा क्योंकि जो कैमरा एसेसरीज कुछ ना रास्ते में एकदम निकालनी पड़ती है, जैसे डीएसएलआर हो गया, इसकी बैटरी हो गई और भी काफी कुछ, तो ये पीछे जहां पर टॉप बॉक्स लगता है वहां पर इसको रख लूंगा और इसमें सब कुछ रख लूंगा। ये मेरा एक पार्सल भी आ गया जिसमें 3 कुर्ते पजामे हैं। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे होंगे जो अभी मैं मैक्लोडगंज गया था, तो अमृतसर पे मैंने ऑर्डर दिए थे वहीं पर, वो पार्सल अब आया है। एक ये पिंक और नीचे से व्हाइट है, लेकिन इसमें अभी ना सलवटे बहुत आ रही हैं, तो ये प्रेस होकर बिल्कुल चकाचक बढ़िया बना देंगे। बाकी आप फिटिंग बताओ कैसी आ रही है, और चेंज कर दूसरे भी आपको दिखाता हूँ, और फिर चलते हैं अपनी न्यू वाली बाइक पर, एक बार उसका बैलेंस देख लें ठीक है या नहीं। और सेकंड कलर है ये, और ये मेरी वॉच से भी मैच हो रहा है, वैसे तो हर कलर की वॉच मेरे पास है, और इसको भी थोड़ा बस प्रेस करना है, बाकी ठीक लग रहा है। फिटिंग मुझे ऐसा लग रहा है पहले नेक्स्ट पहनता हूँ, दूसरा जो एक और बच रहा है उसको पहनता हूँ, और उसके बाद बताता हूँ मुझे कैसा लग रहा है। बाकी आप भी कमेंट्स में जरूर बताना तीनों में से आपको कौन से अच्छे लगे और कैसे लग रहे हैं। और एक है ये व्हाइट कलर, इसमें नीचे जो है पैंट की स्टाइल में है, ऊपर व्हाइट कुर्ता है, और आपको कैसे लग रहा है तीनों में ये जरूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा थोड़ा सा पागल बना दिया है, अराउंड 5-6 हज़ार लिए थे जिसमें फिटिंग बहुत अच्छी बोली थी। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मुझे वहां से ना कपड़ा लेकर आकर यहीं पर अपने हिसाब से थोड़ा फिटिंग अच्छे से कराता, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज भी लग रहा है, यहां से भी देखो कितना लूज है। एक कुर्ते पजामे में 7 मीटर लगाया जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लगा दिया, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा लग रही है, लूज भी लग रहा है। बाकी आप बताना कमेंट्स करके कैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरे को तीनों को अब यहां से फिटिंग करानी पड़ेगी। और भाई इधर आ गई अपनी दोनों बाइक, ये छोटी BMW और ये अपनी बड़ी BMW, और ये दोनों इधर क्यों हैं, क्योंकि इधर आ गए हैं अपने अभिषेक भाई और मयंक भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई। और टाइम आ गया अलविदा करने का इसको, ये जा रही है और अब इनका ध्यान भाई रखेंगे। हेलमेट अपनी बाइक से मैचिंग से लिया था लेकिन ये रेड हो गई। चलो कोई नहीं, आ जाएगी तुम्हारी 3-4 दिन में बाइक, लेकिन अब ट्रिप के बाद ही लोगे बाइक तो। और ये पाजी भी आ गए मेरी बाइक में ना। कैसे हो पाजी? हल्का सा उसका लॉक काम नहीं कर रहा, तो ये चेक करेंगे। लो कर लो आप। चलो मिलते हैं कल सुबह सुबह, कितने बजे? 4:30 पक्का? देख लो कभी रोड पे खड़ा रखो। अनमोल का इसकी रिस्पांसिबिलिटी है, अनमोल की, बाकी हम दोनों की मेरी है। अच्छा, अनमोल को ये उठाएगा, 5:30 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ तो फिर भी चलो किसी ढाबे पे या कहीं बुला लेंगे अनमोल को, उधर खड़े होने में दिक्कत नहीं है। इधर मैं भी टाइम से आ जाऊंगा, तुम भी टाइम से आ जाना, ग्रुप में बाकी मैसेज कर दो। 4:30 बजे ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा 4:30, क्योंकि रात को सब लोड वोड करके सोएंगे भाई। हाँ मैंने तो अभी रखे हुए हैं, पाइनियर में रखा है अभी सामान। हाँ ऐसे ही हम भी करके लाते हैं, रख के मैंने अब सेट कर लिया, बस पीछे वाला जो एक बैग है वो लाना है कल। चलो
ठीक है ओके। और यहाँ पर ना बाइक खड़े हुए मुझे मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए, और यहाँ इस तरह ना कम से कम 10 लोग रुक चुके हैं। और पैनियर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी एक ना पिन है जो लॉक के अंदर है जिसकी वजह से खुल नहीं रहा। तो पाजी कह रहे हैं 30 मिनट के लिए मैं बाइक ले जाऊँगा और ये करके दे दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चला कर देख लेता हूँ कि जो बैलेंस है वो सही बन रहा है या नहीं। और लुक बताओ कैसी लग रही है इसकी, यानी आपको पूरी बाइक अभी दिखाई है तो कैसी लग रही है हमारी न्यू बाइक जिसका अभी तक नाम भी नहीं रखा गया है। और भैया तो आगे से हट ही नहीं रहे हैं, बस लगातार इसको घूरे ही जा रहे हैं घूरे ही जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बैलेंस चेक करना है मुझे, बैलेंस सही बनना चाहिए, ऐसा ना हो एक पैनियर में वेट ज़्यादा एक में कम। और चेक करके हम पाजी को दे देंगे, पाजी 30 मिनट में मुश्किल से कह रहे हैं यहीं पर कोई शॉप है वहाँ जाएंगे। इसकी एक पिन है, छोटी सी पतली सी पिन है मुझे दिखाई, वो मिसिंग है, जैसे ही वो लगेगी लॉक अच्छे से काम करने लगेगा। लीजिए हाँ आधे घंटे घर ही आ जाना। तो चलिए अब हम चलाएंगे स्कूटी, और बैलेंस उसका बढ़िया बन रहा है, बस थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से हल्का भारी भारी लग रही है, फिर ही नहीं लग रही। पाजी कैसे चलाएंगे पता नहीं, उनके तो पैर भी नीचे देखो पहुंच नहीं रहे हैं। लुक देखो मेरे को, मतलब सब बाइकों में सबसे बढ़िया ये लग रही है, देखो चलते हुए क्या लगती है, कैसी लग रही है बताओ जल्दी कमेंट्स करके। अरे जल्दी जल्दी बस इसका नाम रखें। बैक टू होम, और पाजी भी बाइक दे गए हैं, वो कह रहे बस हल्का सा कुछ एक पेच था, मतलब पेच भी नहीं कुछ हल्के से एक पत्ती थी वो निकल गई थी जिसकी वजह से ये हुआ, और ठीक कर दी है। और अब इस वीडियो को एंड करता हूँ, थोड़ा बहुत बस मुझे काम है वो करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिप पर ही मिलेंगे हाईवे पर। अब जा कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, बस कल वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू। और चैनल पर नए यार सब्सक्राइब कर लो, गिव अवे भी मैं करना चालू कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा फैमिली बड़ी हो जाए जब। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए बाय टाटा सी यू। So many years gone by.